अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सायमा नबी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरे कुकिंग चैनल को विद सायमा नबी सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चिकन चरखा। चिकन चरखा बनाने के लिए मैंने सारे वही इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो कॉमन हमारे घरों में किचन कैबिनेट्स में मौजूद होते हैं। मैंने कोई भी ऐसी चीज इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी है कि जिसके लिए आपको बाहर का वक्त करना पड़े। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1.25 किलो चिकन है, मैंने होल चिकन ली और इस पे कट लगवा दिए थे। चरखे वाले कट होते हैं, सारे चिकन पे हर तरफ लगे हुए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा के स्टिमर में रख दिया था 10 मिनट के लिए, सॉरी आधे घंटे के लिए, और इसमें से सारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। मैंने मिक्सिंग बाउल में 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया था, इसको अच्छी तरह से फेंट के रख लिया था, ये ऐड करेंगे। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, मैंने ये इसमें डाल दूंगी। नमक और स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्पाइसी ही बनाऊंगी। 1/2 टेबल स्पून मैंने होममेड चाट मसाला लिया है, ये मेरा अपना चाट मसाला है। 1/2 टेबल स्पून मैंने होल स्पाइसेस पाउडर पिसा गरम मसाला लिया है। 2.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर पिसी हुई लाल मिर्च, मैंने 2.5 चम्मच ली है। आप स्पाइस लेवल अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए। 1/2 टेबल स्पून मैंने सेका लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है, ड्राई रोस्ट जीरा पाउडर, पिसा हुआ और भुना हुआ जीरा। 1.5 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, बाजार का जो होता है उसमें हम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने घर का पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये भी ऐड करूंगी। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक पाउडर भी ऐड किया है, क्योंकि हुसैनाबाद का जो मशहूर चरखा कराची का होता है उसमें लहसुन अदरक पाउडर फॉर्म में डलता है, उसी से इसका फ्लेवर उभर के आता है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि रेसिपी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। 2 मैंने लेमन लिए थे, इनको मैं इसमें स्क्वीज कर लूंगी, लेमन का जूस इसमें मैं स्क्वीज कर लूंगी। ये भी बस इसमें मैंने लेमन जो है वो दोनों स्क्वीज कर दिए हैं। 1 पिंच मैंने जर्दा फूड कलर लिया है, अगर आपको जर्दा फूड कलर पसंद नहीं तो आप कुकी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमारे ससुराल में जर्दा फूड कलर ही डाला जाता है इसलिए मैंने यूज किया। ये भी बस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को। हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब मैं चिकन लेकर इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस मसाले को इस चिकन में लगा दूंगी। ये भी बस अपना मसाला उठाएंगे और चिकन में जहाँ जहाँ कट है कोशिश करेंगे कि अंदर तक अच्छी तरह से इसको लगा दें, ताकि मसाला जितना भी इसमें इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाए, मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अच्छी तरह से हम इसमें लगा देंगे इसको, और लगा कर 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 8 जितना टाइम हो, अगर आपके पास ओवरनाइट टाइम है तो बहुत ही बेस्ट है, इसको लगा के फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन अगर आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही मजे का बनता है, मगर मैं इसे 8 घंटे के लिए करूंगी। जी भी बस हर तरफ से मसाला उठा उठा के इसके अंदर तक हमें लगाना है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। अगर आपको हाथों से लगाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसमें ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर जो हाथों से बंदा सेटिस्फेक्शन जो हाथों से आती है वो ग्लव से नहीं आती है। मुकम्मल तौर पर लग चुका है, अब मैं इसे ढकना लगाकर फ्रिज में 6 से 8 घंटे के लिए रख दूंगी। मैरिनेट किए हुए तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज से निकाल लिया है। इधर कढ़ाई में मेरा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, मैंने 1 किलो ऑयल डाला है, अब मैं इसको फ्राई करने के लिए रख दूंगी। इसको फ्राई करने से पहले मैं इसकी जो टांगे हैं इनके बीच में धागा बांध दूंगी, वरना फिर ये जो है हैंडल करना है। बीच बीच में मैं इसका ऑयल इसके ऊपर डालती रहूंगी, ताकि ये ऊपर से भी हल्का हल्का सिकना शुरू हो जाए। इसको सीखते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। जी रिवर्स, इस साइड से भी इसको हम 15 मिनट मजीद सेकेंगे, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। रिवर्स इसको दूसरी साइड से सीखते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे रेडी है, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। जी रिवर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, जितने दिन पैदा हो रहा है इससे टोटल
25 से 30 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में, आधा घंटा इसने लिया है और ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है। आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक है। इसको मैंने सैलेड के साथ और सैलेड की लीव्स के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नया नया वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज भी सर्व किए हैं, मगर वो प्लेट पर निकालना भूल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 7 मिनट्स।